सामने दोस्तों, अब तक हम लेक्चर सीरीज कंटिन्यू है हमारी फिजिक्स की, और आज चूंकि चौथा लेक्चर है और अब तक हम फिजिक्स, फिजिक्स के ब्रांचेस, उसकी इम्पोर्टेंस ये सब देख चुके हैं। और फिजिक्स में चूंकि हमने ये देखा कि फिजिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस, तो ये जो साइंस का वर्ड है ये क्या है, ये खुद इटसेल्फ ये क्या है, हमने इसको नहीं देखा अभी। आज हम इन डीप उसी को देखने वाले हैं कि साइंस क्या है, देख लेते हैं। साइंस स्ट्रेंथ एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, साइंस एक नॉलेज है, आसान सी जबान में साइंस एक नॉलेज है, मगर हर नॉलेज को हम क्या ऑर्गेनाइज कहेंगे, नहीं। सिर्फ साइंस क्या है, एक नॉलेज तो है मगर ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज का मतलब कुछ तरीके से, कुछ स्टेप्स को फॉलो करने के बाद जो नॉलेज आएगा आपके पास वो क्या कहलाएगा, साइंस। तो वो स्टेप्स कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं कि उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद जो भी हमारे पास नॉलेज आ जाएगा उस स्टेप को, उस नॉलेज को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज मींस साइंस। तो साइंस क्या है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, और ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे नॉलेज को, हाउ नॉलेज इज मेड ऑर्गेनाइज्ड, बाय फॉलोइंग सम स्टेप्स। कुछ स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हम क्या कहेंगे उस नॉलेज को, साइंस। अब वो स्टेप्स क्या है, सम स्टेप्स, उन स्टेप्स को हम बोलेंगे साइंटिफिक मेथड्स। और वो साइंटिफिक मेथड्स जो है मींस वो स्टेप्स जो है जो कि नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब साइंस जो है उन मेथड्स को, साइंटिफिक मेथड्स वो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो जिसमें से पहला मेथड हमारे पास, सबसे पहले बच्चों जो हमारा जो साइंटिफिक मेथड है मींस जो पहला स्टेप है नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने का, वो है ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन जो है ऑब्वियसली सबसे पहला, आप किसी भी चीज को, फिजिकल फिनोमेना आपके नेचर में जो भी चीजें हो रही हैं, सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, रेन हो रहा है, लाइटनिंग हो रही है, कुछ भी एक्स वाई जेड कोई भी फिनोमेना हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है, ये सब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ऑब्जर्व करोगे। और ऑब्जर्व करने के लिए नेचर ने हमें चंद सेंसर्स दिए हैं हमारे ऑर्गन्स में, और वो हमारे पास फाइव सेंसर्स हैं जिसके जरिए हम किसी भी चीज को सेंस करते हैं, मींस ऑब्जर्व करते हैं हमारे सराउंडिंग में जो भी हमारा यूनिवर्स है। तो वो जो सेंसर्स के थ्रू हम सेंस करते हैं वो हमारे पास 25 सेंसेस हैं, एक तो सुनना और एक देखना, एक चखना, एक सूंघना और एक टच करना। ये फाइव सेंसेस के थ्रू हम अपने सराउंडिंग जो भी हमारा यूनिवर्स है हम क्या करते हैं उसको सेंस करते हैं, मींस ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के लिए एक फाइव सेंसेस जरूरी है। और सेकंड थिंग इज बाय यूजिंग इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, मिसाल के तौर पर आपको टेम्परेचर नोट करना है तो ऑब्वियसली आपको एक इंस्ट्रूमेंट जरूरत पड़ेगी, और उस इक्विपमेंट को आप क्या बोलते हो, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर के जरिए आप टेम्परेचर सराउंडिंग का मेजर कर सकते हो। इसी तरह एयर प्रेशर बैरोमीटर के जरिए आप मेजर कर सकते हो। ये सारे क्या कहलाते हैं, इक्विपमेंट्स, मतलब ऑब्जर्व करने के लिए जो भी आपके नेचुरल फिनोमेनास हो रहे हैं, आपको ऑब्जर्वेशन जो है ये वे है गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल फिनोमेना। ये तरीके का है जो भी फिजिकल फिनोमेना आपके सराउंडिंग में हो रहा है उसको, उसके जितनी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करने का। और वो जो वेज हैं ऑब्जर्वेशन के वो बाय यूजिंग फाइव सेंसेस हैं और बाय इक्विपमेंट्स हैं। और सेकंड जो ऑब्जर्वेशन है वो है, और मेन चीज जो है ऑब्जर्वेशन में, सबसे मेन बात ये है कि आप ऑब्जर्वेशन में सबसे मेन चीज ये है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मतलब किसी ने ऑब्जर्व किया किसी फिनोमेने को, उसकी ओन स्किल के मुताबिक, उसके सेंसेस के मुताबिक, उसके जो सेंसेस जितना वर्क करते हैं उसके मुताबिक, और किसी के सेंसेस बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, वो ज्यादा डीप में यूनिवर्स को, नेचर को ऑब्जर्व कर सकता है। अब सेकंड जो हम देखने जा रहे हैं साइंटिफिक मेथड वो देख रहे हैं। सेकेंड स्टेप हम देखने जा रहे हैं स्टूडेंट, और वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है बच्चों, कि ऑब्वियसली जब आपने ऑब्जर्व किया किसी चीज को, तो आपने फिजिकल फिनोमेना को ऑब्जर्व किया तो आप अपना ख्याल पेश करोगे, और जब आप अपना ख्याल पेश करोगे तो आपके ख्याल में कोई प्रूफ नहीं होगा कि आपका ख्याल ट्रू है या फॉल्स है। तो ये जो आपका ख्याल है ये जस्ट नोशन है, ये ही कहलाता है क्या चीज, हाइपोथेसिस।
hypothesis is just a notion of a scientist about any physical phenomenon. तो यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है कि hypothesis क्या है, notion of a scientist about physical phenomena, मतलब किसी भी physical phenomena को जो nature में जो भी चीजें हो रही हैं उसको observe करने के बाद जो आपने ख्याल पेश किया वो क्या है आपका hypothesis. और यही बात जो मैंने कहा कि आपके ख्याल का कोई proof नहीं होगा, कोई verification नहीं होगी, just वो आपका एक assumption है, आपका एक ख्याल है, एक notion है. और वो यही बात लिख दी कि एक्सप्लेनेशन है ये फिजिकल फिनोमेना की विदाउट एनी प्रूफ, कोई प्रूफ नहीं होगा, जस्ट आपने क्या किया ख्याल पेश किया और उसी को आप क्या बोलोगे हाइपोथेसिस. थर्ड जो हमारा स्टेप है वो क्या है, ऑब्वियसली हम साइंटिफिक मेथड पढ़ने जा रहे हैं, नॉलेज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मीन्स साइंस पढ़ना. तो थर्ड स्टेप हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंट. हमने सिर्फ ख्याली बातें नहीं करनी बल्कि हमने क्या करना है, प्रूफ के साथ सारी बातें करनी है. तो फिर हमने क्या करना है, उसी ऑब्जर्व फिनोमेना को आपने आके एक्सपेरिमेंट किया. और जब एक्सपेरिमेंट किया तो फिर ये आपका ये एक्सपेरिमेंट जो है ये आपका क्या चलेगा, थर्ड स्टेप. और ये एक्सपेरिमेंट ही क्या प्रूफ करेगा, बोलते हैं ना जैसे यार तुम्हारे पास अगर कोई बात है कि तुमने अपना ख्याल पेश किया तो फौरन सामने वाले बोलते हैं ना कि क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, और अगर आपके पास प्रूफ हो तो आपकी बात वैलिड हो जाएगी. तो यही बात है यहाँ पे भी कि आपने जब अपना हाइपोथेसिस पेश किया, मतलब नोशन पेश किया अपना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगला स्टेप ऑब्वियसली साइंटिफिक मेथड्स में आपको प्रूफ देना पड़ेगा उसी चीज का. और प्रूफ देने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, ये थर्ड स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा और वो क्या है, एक्सपेरिमेंट. यही बात देखिए कि दिस स्टेप इज नीडेड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, अपने ख्याल को टेस्ट करने के लिए ये स्टेप की जरूरत पड़ती है कि वेदर टू सपोर्ट और डिसप्रूव देम, मतलब कि हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया जाए आपके ख्याल को या उसको डिसप्रूव कर दिया जाए, ऐसी ख्याली बातें उसको छोड़ दिया जाए. तो ये चीज जो है ये क्या है, एक्सपेरिमेंट के थर्ड स्टेप है, ये वेरिफिकेशन करने के लिए है ये स्टेप के आपका जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है, क्या उसको सपोर्ट किया जाए या नहीं किया जाए. फोर्थ स्टेप जो है वो है थ्योरी, और ये थ्योरी क्या है, ये जरूरी है और ये आप आगे बहुत पढ़ोगे कि हर साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी हैं फिजिकल फिनोमेना के बारे में. तो थ्योरी क्या है, जब आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, अगर आपकी एक्सपेरिमेंटल जो जो चीजें हैं एक्सपेरिमेंट्स जो आपके अगर वो सेटिस्फाई हो गए आपकी बात से, तो वो जो आपकी बात है वो आपकी थ्योरी कहलाती है. सिर्फ आपकी पहले से बात थी, कोई प्रूफ नहीं था, वो हाइपोथेसिस था, मगर जब आपने प्रूफ दिखा दिया कि हाँ भाई ये देखो मेरे पास प्रूफ है. जैसे न्यूटन जब आया, न्यूटन ने क्या कहा लाइट की नेचर के बारे में, कि लाइट जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स में मुश्तमिल है और वो सब एकदम स्ट्रेट लाइन में चलते हैं. तो उस लोगों ने कहा क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, बिल्कुल है. उसने कहा प्रूफ शेडो, शेडो जो बनता है वो क्या है, जब लाइट स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी तो जब आके हम सामने खड़े हो जाएंगे लाइट के तो हमारे से लाइट टकरा के वापसी चली आएगी, जो इसका पास हो जाएगा हमसे उसी चीज का पूरा एक इमेज बन जाएगा ग्राउंड पे, वो चीज शेडो कहलाएगा. और अगर लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल नहीं करती तो वो मेरे ऊपर से भी घूम के चली आती और पीछे आके लाइट पूरे पे शेडो नहीं होता. तो ये अगर लाइट स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, ट्रेवल करती है, तो ही शेडो बनता है. इसी तरह उसने रिफ्लेक्शन ये सारी चीजें, या आप अभी तो ऑब्वियसली थोड़ा आपको मुश्किल होगा क्योंकि आप बिल्कुल बिगनर लेवल पे हो, मगर जब हम ये चैप्टर्स नेचर ऑफ लाइट देखेंगे, हर एक की थ्योरी देखेंगे, तो आपको ये चीज और क्लैरिफाई हो जाएगी. तो हाइपोथेसिस के बाद आपने उसको एक्सपेरिमेंट करके देखा, अगर एक्सपेरिमेंटल आपका जो व्यू है वो करेक्ट हो गया आपके ख्याल से आपके हाइपोथेसिस से, तो वो जो आपका हाइपोथेसिस था पहले सिर्फ नोशन था, वो इट विल बिकम थ्योरी. तो यही थ्योरी के बारे में लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस द थ्योरी इज डिजाइन. ये थ्योरी जो है कैसे कब डिजाइन की जाती है, हाइपोथेसिस के बेस पे, मगर कब, इफ हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड After satisfying experiment, अगर experiment को satisfy करने के बाद आपका hypothesis जो accept हो गया, तो वो hypothesis this will become a theory. और अगर satisfy नहीं हुआ experiment से, तो it will still be a hypothesis. वो hypothesis ही रहेगा. और theory में मैंने example अभी आपको दी थी, आप आगे in detail पढ़ोगे कि Newton ने light के बारे में, light की nature के बारे में कहा था, Newton की theory थी. थ्योरी थी, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी. और अभी हम ये भी देखेंगे आगे दो मिनट में, मतलब एक मिनट, कि ये जो न्यूटन की जो थ्योरी है ये
ड्यूरी है, लाइट की नेचर के बारे में। इसी तरह हाइजीन है, हाइजीन भी एक साइंटिस्ट का नेम है, उसने भी लाइट की नेचर के बारे में थ्योरी दी। तो गलत किसी की भी नहीं है, हर किसी के पास अपने अपने सबूत हैं, उनकी बात भी करेक्ट है, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पास सबूत भी है, हमारे पास भी सबूत है, हमारे पास भी हमारी बात के भी हमारे पास सबूत है। इस वजह से डिफरेंट डिफरेंट एक ही चीज की, एक ही फिजिकल फिनोमेना की, एक ही फिजिकल थिंग की, नेचुरल फिनोमेना की डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हो सकती हैं। तो इसमें कोई लड़ने वाली बात नहीं है कि मैं सही हूँ तुम सही हो। थ्योरीज को हमें वेलकम हमेशा करते रहना चाहिए। हो सकता है हमें हमारी बात अभी यहाँ तक महदूद है, आने वाले वक्त में कोई नया साइंटिस्ट है वो उसी फिजिकल फिनोमेना को और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन उसकी और ज्यादा अच्छी है और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स को वो सेटिस्फाई करो तो उसकी थ्योरी एक्सेप्ट कर ली जाएगी। मेरी थ्योरी वो गलत नहीं कहा जाएगा, मगर ये क्या कहा जाएगा कि ये लिमिटेड है, इसने और इस वाले साइंटिस्ट ने और फर्दर एक्सप्लेन किया और थ्योरी अच्छी ली। तो अब नेक्स्ट हम ये देखने जा रहे हैं कि फिफ्थ स्टेप क्या है हमारा जो साइंटिफिक मेथड में। फिफ्थ स्टेप अब तक हमने देख ली चारों स्टेप के, भाई लास्ट हमने देखा थ्योरी, और थ्योरी के बाद जो मेन चीज है कि जब आप एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते जाते हो, अपने सबूत देते जाते हो, तो उन सबूत के बाद आपकी जो हाइपोथेसिस है वो तो थ्योरी बन गई। अब उस थ्योरी के बेसिस पे आपने कहा सही है आपकी थ्योरी है, मगर क्या आपकी थ्योरी जो है वो फ्यूचर प्रिडिक्शन दे सकती है? फ्यूचर प्रिडिक्शन कितनी बड़ी बात है कि भाई साइंस में यही कमाल है कि आप जब मैथमेटिकल आप आगे जाके देखोगे कि बहुत सी थ्योरीज ऐसी हैं जो मैथमेटिकल वे से आप उसको सॉल्व करने के बाद आप फ्यूचर की प्रिडिक्शन आप ये कह सकते हो कि इतने टाइम बाद ये फिनोमेना हो रहा होगा जब अभी ये हो रहा है, मतलब प्रेजेंट की बेसिस पे आप फ्यूचर की प्रिडिक्शन दे सकते हो। तो ये थ्योरी के बाद आपकी थ्योरी की वैलिडिटी जो है, आपकी थ्योरी कितना वैलिड है, कितना सॉलिड है, आप उसको प्रेडिक्शंस के बेसिस पे ये कह सकते हो कि आपकी थ्योरी ये प्रेडिक्शन दे सकती है फ्यूचर प्रेडिक्शन। तो यही बात यानी क्या होता है, बेसिस ऑफ थ्योरी फ्यूचर रिजल्ट्स कैन बी प्रेडिक्टेड। क्या एग्जांपल है इसकी, सबसे बेस्ट एग्जांपल जैसे न्यूटन की जो अभी मैंने कहा कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट के, मतलब लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, रे ऑफ लाइट के थ्रू उसने समझाया। आप आगे आके पढ़ोगे, अभी ये चीजें चंद चीजें मुश्किल लग रही है क्योंकि ये नई नई चीजें हैं, तो आपने परेशान नहीं होना जब हम नेचर ऑफ लाइट पूरा कॉन्सेप्ट है इसका तो हम देखेंगे न्यूटन की। तो उसमें यही हो रहा था कि लाइट के उस न्यूटन के थ्योरी को मानते हुए हम ये मान लेते थे कि अगर लाइट का जो सोर्स है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो उसकी इमेज वहां बनेगी, मतलब फ्यूचर का प्रेडिक्शन हम दे रहे थे कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखने से इमेज वहां बन जाएगी, बनेगी। आपने अभी देखा नहीं है कि बनी भी है नहीं, वो तो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा। तो ये कमाल है कि साइंटिफिक मेथड्स में प्रिडिक्शंस का, कि आप फ्यूचर प्रिडिक्शन दे सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी। ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी फ्यूचर रिजल्ट्स कैन बी प्रिडिक्टेड, रिजल्ट्स फ्यूचर जो है फ्यूचर के रिजल्ट्स आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। और एग्जांपल इमेज फॉर्मेशन ये आपको टॉपिक है, ये पूरा ये आपको समझ आएगा आगे जाके, परेशान नहीं होना इस चीज के लिए। अब सर वो जो लास्ट ये सिक्स जो हमारा स्टेप है साइंटिफिक मेथड जो है वो है साइंटिफिक लॉ। ये आप लोग बहुत हर जगह देखा होगा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और भी बहुत सारे लॉज हैं। तो ये लॉ क्या होता है, ये लॉ कोई अलग चीज नहीं है। ये ऑब्वियसली जब आपकी थ्योरी आपने दे दी, प्रेडिक्शन भी दे दी, अब सब कुछ हो रहा है, अब आप थ्योरी को बार बार, हमने कहा भाई ये मेरी थ्योरी है ये मैंने दे दी, अब आपकी थ्योरी ऐसी नहीं मानी जाएगी, मानी जाएगी बिल्कुल, मगर आपकी थ्योरी को और ज्यादा अगर टेस्ट किया जाए एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू और हर जगह मैच कर जाए, आपकी टेस्ट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन बार बार टेस्ट किया जाए, और जब टेस्ट करने के बाद आपकी थ्योरी जो है अगर वो टेस्ट करने के बाद इतनी सेटिस्फाई हो जाए हर जगह वही प्रिंसिपल्स पे आपका फिजिकल फिनोमेना डिस्क्राइब हो रहा हो, तो वो जो आपकी थ्योरी है अब वो थ्योरी नहीं कहलाएगी बल्कि लॉ बन जाएगी, एक कानून बन जाएगी साइंस का। जैसे आप ये न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो आप देखोगे जब आप हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में, तो इसमें न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में यही कहा कि हर चीज आसान सी जमान में जो भी चीज आप फेंकोगे वो जमीन की तरफ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ जाएगी, वो फोर्स लगेगी उस पर और टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ फॉल करेगी। तो हर चीज आप चाहे वो यहाँ पे फेंको या अमेरिका में फेंको, कहीं भी फेंको, तो ये क्या हो रहा है, ये आपके जो एक्सपेरिमेंट आप करके देख रहे हो आपकी कहीं भी बात, ये हर जगह टेस्ट किया जा रहा है आपकी बात को, और जब वैलिड है हर जगह तो आपका वो जो थ्योरी नहीं कहलाएगी बल्कि वो आप क्या बन जाएगी, लॉ बन जाएगी। तो ये यही बात कही कि अ थ्योरी इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन
एंड व्हेन इट इज फाउंड टू फिट द फैक्ट, हकीकत क्या है, हकीकत को अगर वो फिट फिक्स हो जाए आपकी बात, और गिव वैलिड प्रेडिक्शन, आपकी जब बात हकीकत पे बिल्कुल फिट हो जाएगी तो ऑब्वियसली प्रेडिक्शन जो आप दोगे, आपके जो फॉर्मूलाज हैं वो जो प्रेडिक्शन देंगे वो ऑब्वियसली बिल्कुल फिट बैठेगी, प्रेडिक्शन बिल्कुल वैलिड होगी आपकी जब आपकी बात एकदम सॉलिड होगी, वेरीफाइड होगी। तो जो आपकी थ्योरी है वो थ्योरी नहीं बल्कि वो क्या कहलाएगी, देन दिस थ्योरी विल बिकम अ साइंटिफिक लॉ, इसको आप क्या बोलोगे, लॉ। तो एग्जांपल मैंने दे दिया लॉस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और भी बहुत सारे लॉस हैं। तो ये सिक्स स्टेप्स जो हैं ये आपकी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब आप क्या पढ़ रहे हो तो फिर साइंस, जो भी आपके पास नॉलेज आएगी अगर इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आएगी वो क्या होगी, साइंस। कंक्लूड क्या किया आपने इन तमाम बातों से, कंक्लूड यही किया कि देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस, कोई भी फाइनलाइज बात नहीं होती साइंस के अंदर, आप पत्थर पे लकीर की तरह बात नहीं करोगे साइंस में कि भाई बस यही है जो कह दिया, ऐसा नहीं होता, बल्कि हमें हमारी लिमिट के मुताबिक हम ये कहते हैं कि भाई इस हमारे एक्सपेरिमेंट, हम जो बात कही हमारी लिमिट है इस एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म या एक्सप्लेन कर रही है, मगर नेचर बहुत बड़ा है, नेचर बहुत फास्ट है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, तो हमें हर फिनोमेना को एक ही चीज से एक ही थ्योरी से नहीं एक्सप्लेन कर सके अब तक, मगर कोशिश जारी है कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग हो जाए ताकि आप एक ही थ्योरी से हर चीज को एक्सप्लेन कर सको। तो हमें इस बात पे लड़ना नहीं है कि मैं सही हूँ तुम गलत हो, बल्कि हमारे हिसाब से ये सही है, एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से, आपके हिसाब से। तो यही बात कि देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस, वी शुड ऑलवेज बी रेडी, हमें हर वक्त रेडी होना चाहिए, ये नहीं कि हम थक हार के बैठ गए या हमने बस पढ़ लिया, हमने कहा इतनी है साइंस बस खत्म हो गई, नहीं, हमें हर वक्त रेडी होनी चाहिए न्यू थ्योरीज की बारे में कि भाई अब कोई न्यू थ्योरी आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, तो आप लोग ये देख लीजिए, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।